हेलो स्टूडेंट्स आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी आज हम स्टैंडर्ड इलेवन सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर फोर में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट एट से ठीक है एकदम इजी क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ो थ्री गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस टू मीटर स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन दी एज ऑफ द ग्राउंड ठीक है यहाँ पे पॉइंट पी है और यहाँ से तीन गर्ल है उन्होंने अपनी मोशन स्टार्ट की ठीक है एंड रिच अ पॉइंट क्यू डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू पी फॉलोविंग डिफरेंट पाथ है शोन इन फिगर सपोज ये ए है ए बी है और यहाँ पे सी है वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर फॉर ईच चलो हर एक के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को सपोज़ मैं डेल्टा एक्स बोल दूँ <coughs> तो वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट होगा मतलब यहाँ पे आएगा डाया मीटर मतलब टू इंटू रेडियस और रेडियस आपको दी हुई है टू हंड्रेड मीटर मतलब टू इंटू टू हंड्रेड तो ये फोर हंड्रेड मीटर आएगा ठीक है ये पाथ है ये पाथ है या तो ये तीनों पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्यों क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा ओनली फाइनल पोजिशन एंड इनिशियल पोजिशन पर पाथ पे नहीं फॉर विच गर्ल इज़ दिस इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ दी पाथ तो कौन सी गर्ल के लिए तो so, आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ दी पाथ स्केटेड बाय गर्ल बी ठीक है अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट नाइन अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस वन किलोमीटर ठीक है यहां से स्टार्ट किया ओके सेंटर ओ का है ना साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस वन किलोमीटर देखो यहां से स्टार्ट किया रिच इज द एज पी ऑफ द पार्क देन साइकिल्स अलोंग सरकम एंड रिटर्न टू द सेंटर अलोंग क्यूओ मतलब ये यह पाथ यहां से इस तरफ फिर यहां से इस तरफ फिर यहां से, से वापस ठीक है मतलब यहां पे एरो इस तरफ आएगा ओके इफ द राउंड ट्रिप टेक्स टेन मिनट व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट चलो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हम यहाँ पर करते हैं फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट अब देखो इनिशियल पोजिशन ओ फाइनल पोजिशन बी ओ तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा जीरो चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया अभी सेकेंड क्वेश्चन करते हैं एवरेज वेलोसिटी चलो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करोगे आप डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम मतलब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन जीरो डिवाइड बाय टाइम तो आंसर आएगा जीरो चलो अभी क्या है एवरेज स्पीड चलो एवरेज स्पीड अब एवरेज स्पीड के लिए क्या करोगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन अब डिस्टेंस कितना है देखो ओ से लेके पी तक सबसे पहले ओ पी प्लस पी क्यू बट ये आर्क वाला तो यहाँ पे करोगे पी क्यू आर्क और फिर क्यू से लेके ओ तक का डिस्टेंस और डिवाइड बाय टाइम अब टाइम कितना लग रहा है टेन मिनट ठीक है ना अब उसको आर में कन्वर्ट करो तो टेन डिवाइड बाय सिक्सटी कर दोगे चलो यहाँ तक क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं ओ पी कितना है तो देखो यहाँ पे आपको बोला गया है रेडियस वन किलोमीटर तो ये हो गया वन प्लस पी क्यू आर्क का डिस्टेंस चाहिए तो आर्क इक्वल टू क्या बनेगा एंगल इंटू रेडियस तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ वो आपको वहाँ पे साइड में लिख देना है चलो पी क्यू आर्क इक्वल टू क्या बनेगा एंगल इंटू रेडियस क्योंकि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ओके okay, एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री बट रेडियन में लिखना है तो पाई बाई टू ठीक है ना एंगल नाइन्टी डिग्री है बट रेडियन में लिखना पड़ेगा इसलिए पाई बाई टू और इंटू वन तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे जो पी क्यू आर्क है वो हमें मिलेगी पाई बाई टू और वो भी किलोमीटर में ठीक है तो यहाँ पे आप करोगे पाई डिवाइड बाई टू और प्लस क्यू ओ भी वन और यहाँ पे वन डिवाइड बाई सिक्स अब ये सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ट्वेंटी वन पॉइंट फोर्टी टू अप्रॉक्सीमेट ठीक है किलोमीटर पर आर और ये क्या मिला आपको एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड को ट्राइंगल ब्रैकेट में डिनोट करो या तो वी के ऊपर आप बार कर दो तो भी चलेगा चलो तो ये क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट नाइन का सॉल्यूशन अभी चलते हैं फोर पॉइंट नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट टेन क्वेश्चन पढ़ते हैं ऑन एन ओपन ग्राउंड मोटरसाइकिलिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री आफ्टर एवरी फाइव हंड्रेड मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट एट द थर्ड सिक्स एंड एट्थ टर्न कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय दी मोटरसाइकिलिस्ट इन ईच केस ठीक है तो यहाँ पे पाथ कैसा बनेगा वो सबसे पहले डिफाइन करो 60 डिग्री एंगल हर एक 500 मीटर पे टर्न होता है तो 60 डिग्री एंगल से टर्न होता है तो 60 प्लस 60 प्लस 60 करो उसी पोजिशन पर आने के लिए टोटल एंगल बन जाएगा थ्री और थ्री एंगल बनने के लिए कितने टर्न ज़रूरी है सिक्स मतलब यहाँ पे हेक्सागोन बन रहा है वो भी रेगुलर हेक्सागोन ठीक है चलो हेक्सागोन एक बना लेते हैं यहाँ पे डायग्राम में चलो ये सही है ठीक है ये डायग्राम थोड़ा हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं यहां पे रख देते हैं चलो अब होता क्या है वो समझो कि यहाँ से ये जो साइकिलिस्ट है वो ये डिरेक्शन में जा रहा था अब जाने वाला था ये डिरेक्शन में बट इस तरफ 60 डिग्री का टर्न ले लिया फिर जाने लगा ये डिरेक्शन में अब आगे जाना था उसको ये डिरेक्शन में बट 500 मीटर कंप्लीट हो गए 60 डिग्री का टर्न ले लिया ठीक है वैसे हर एक जगह पे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो सिक्सटी डिग्री बनेंगे और टोटल क्लोज्ड पाथ कंप्लीट होगा ठीक है चलो अब हमें करना क्या है कोई भी एक इनिशियल पोजीशन डिफाइन करो सपोज़ मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसको मैं बोल देता हूँ इनिशियल पोजीशन ए यहाँ पे बी सी डी ई और ये एफ ठीक है और हमें कहा गया है यहाँ पे देखो स्पेसिफाई द दे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट एट द थर्ड सिक्स एंड एट्थ टर्न तो यहाँ से अगर ये ए पोजीशन से अगर स्टार्टिंग हो रहा है अगर ये ए पोजीशन से स्टार्टिंग हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्न सेकंड टर्न और ये हुआ थर्ड टर्न तो थर्ड टर्न कहाँ पे आ रहा है डी पोजीशन पे तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे थर्ड टर्न है सिक्स कहाँ पे होगा तो ये फोर्थ ये फिफ्थ और ये सिक्स मतलब जो इनिशियल पोजीशन थी वही सिक्स टर्न है और उसके बाद एट्थ टर्न लेना है तो ये सेवेंथ होगा और ये एट्थ तो ये है एट्थ टर्न चलो ओके okay. तो सबसे पहले बात करेंगे थर्ड टर्न के लिए हमें कंपेयर करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को ठीक है तो सबसे पहले बात कर लेंगे डिस्टेंस uh, के लिए क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना एकदम इजी है चलो डिस्टेंस क्या बनेगा तो यहाँ पे ए बी बी सी और सी डी का एडिशन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अब हर एक टर्न के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था 500 मीटर तो यहाँ पे जो 500 है उसका थ्री टाइम्स एडिशन होगा तो डिस्टेंस आया 1500 मीटर आप बोल सकते हो 1.5 किलोमीटर अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो डिरेक्शन की यहां पे जरूरत नहीं है हमें कंपेयर करना है मैग्नीट्यूड तो चलो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां से सीधा ये डिस्टेंस होगा ठीक है तो मतलब आपको ए से लेके D तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये तो सेंटर बनेगा ना समझो यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट ये ओ सेंटर बनेगा ये हेक्सागोन के लिए और ये रेगुलर हेक्सागोन है सिक्सटी डिग्री एंगल वाला तो फिर आप यहाँ पे अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे एंगल बनेगा आप देख सकते हो सिक्सटी डिग्री यहाँ पे भी एंगल बनेगा सिक्सटी डिग्री क्योंकि यहाँ पे एंगल था सिक्सटी और ये टोटल हुआ वन ट्वेंटी उसका ये बाइस बनेगा बाए सेक्टर मतलब एंगल को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करेगा अब ये वन ट्वेंटी के दो पार्ट करो तो सिक्सटी सिक्सटी होगा ठीक है एकदम ईजी है तो मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या हुआ तो फिर ये जो लेंथ है ए से लेके ओ तक वो बनेगी 500 मीटर और ओ से डी तक वो भी 500 और डिस्प्लेसमेंट भी आपको क्या करना है डिस्प्लेसमेंट है ए से लेके डी तक सीधा डिस्टेंस मतलब ए प्लस ओ डी मतलब 500 प्लस 500 तो ये हो गया 1000 मीटर ठीक है एक काम हमारा पूरा हुआ कौन सा थर्ड टर्न के लिए ठीक है ना अब बात करेंगे सिक्स टर्न के लिए चलो सिक्स टर्न के लिए आप डिस्टेंस पहले फाइंड करोगे अब डिस्टेंस के लिए करना क्या है टोटल पाथ लेंथ तो डिस्टेंस कितना होगा सोचो ए से बी गया बी से सी सी से डी डी से ई e, ई e से एफ और एफ से वापस वापिस ए मतलब वो सिक्स टाइम्स हो जाएगा ए बी डिस्टेंस तो सिक्स इंटू फाइव हंड्रेड कर दो तो थ्री थाउजेंड मीटर या तो बोल सकते हो थ्री किलोमीटर क्लियर अभी डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा ज़ीरो क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजिशन ए फाइनल पोजिशन बी ए. ओके. तो ये सिक्स टर्न का भी काम फिनिश हुआ यहां पे. अभी हमें करना है एट्थ टर्न के लिए चलो एट टर्न के लिए क्या करेंगे वापिस हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्टेंस क्या होगा एट इंटू ए बी एट इंटू फाइव हंड्रेड ये तो आपको पता चल गया फोर थाउजेंड मीटर थर्ड टर्न के लिए भी हमने वही किया था थ्री इंटू ए बी कर देते तो भी आपको आंसर मिल जाता वन फाइव जीरो जीरो मीटर अब मेन क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट चलो एट्थ टर्न कहां पे आया सी पोजीशन पे तो अभी हमें फाइंड करना है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है अब उसके लिए क्या किया जाए तो एकदम सिंपल सी बात है कि अगर आपको ए सी डिस्टेंस चाहिए तो आप एक अलग डायग्राम थोड़ा सा बना लो जो आपको हेल्प कर सके कैसे समझो अगर मैं यहाँ से ये एक्सटेंड करूँ तो ये एंगल कितना है सिक्सटी डिग्री है ना ये एंगल है सिक्सटी डिग्री अभी आपको जो ध्यान देना है वो ये ट्राइंगल के ऊपर ध्यान देना है अब ये ट्रायंगल की हेल्प से आपको ए सी डिस्टेंस मिल सकता है आपको ये ट्रायंगल की हेल्प से ए सी डिस्टेंस मिल सकता है ठीक है अब ये वाला पार्ट हमें पता है ए बी वाला पार्ट कितना है 500 मीटर और ये जो ये वाला पार्ट है वो ये जो बी सी वैक्टर है उसका ही एक कंपोनेंट है तो आप लिख सकते हो इधर बी सी कॉस सिक्सटी मतलब यहाँ पे जो आएगा वो 500 हंड्रेड इंटू कॉस आएगा और सामने वाला जो आएगा वो 500 हंड्रेड इंटू साइन आएगा और ये पोजीशन को मैं कोई और नाम दे देता हूँ चलो सपोज़ मैं नाम दे देता हूँ एम तो ट्रायंगल AMC में आप बोल सकते हो ए जो है वो हाइपोटेनियस है है ना तो आपको एम एंड एम सी की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है तो मैं यहाँ पे ये सब कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फाइंड करता हूँ ए से लेके कर एम तक का डिस्टेंस एम डिस्टेंस कितना होगा ए बी प्लस बी एम तो यहाँ पे हम कर देते ए बी प्लस बी एम ए बी कितना है 500, हंड्रेड बी एम कितना है 500 हंड्रेड इंटू कॉस सिक्सटी मतलब वन बाई टू तो ये हो गया 750 मीटर ये आपका आंसर आया 750 मीटर ठीक है एक और चीज़ हमें चाहिए थी कौन सी तो ये एम सी वाला डिस्टेंस तो वो मैं यहाँ पे निकाल के देता हूँ एम सी डिस्टेंस क्या होगा तो वो फाइव हंड्रेड इंटू साइन सिक्सटी मतलब रूट थ्री बाई टू अब फाइव हंड्रेड इंटू रूट थ्री बाई टू कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेट फोर थ्री टू पॉइंट फाइव मीटर में तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिखोगे आप ए से लेके सी तक का सीधा डिस्टेंस और ए सी मतलब आपको क्या मिलेगा ए एम स्क्वायेर प्लस एम सी स्क्वायर मतलब आप अंडर रूट में दोनों की वैल्यू का स्क्वायर कर दोगे मतलब यहाँ पे सेवन फिफ्टी होल स्क्वायर प्लस फोर थर्टी टू पॉइंट फाइव होल स्क्वायर क्लियर तो फिर जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट एट सिक्स सिक्स मीटर समथिंग मिलेगा एटी सिक्स सिक्स मीटर एट हंड्रेड सिक्सटी सिक्स ठीक है अप्रोक्सीमेट मतलब यहाँ पे नियर अबाउट अब लिख दो तो चलेगा ठीक है तो यहाँ पे हमने तीनों टर्न के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर लिया तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट टेन का सॉल्यूशन फोर पॉइंट इलेवन देखो अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन विच टू गो फ्रॉम स्टेशन टू अ होटल लोकेटेड टेन किलोमीटर अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन मतलब स्ट्रेट रोड से कहना क्या चाहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है कितनी टेन किलोमीटर अ डिसऑनेस्ट कैब मैन टेक्सीम अलोंग अ सर्क्यूट पाथ ट्वेंटी थ्री मीटर लॉन्ग एंड रिच इज़ द होटल इन ट्वेंटी एट मिनट मतलब ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है वॉट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर द टू इक्वल तो ये क्वेश्चन में करना क्या है तो आप लिखोगे सबसे पहले डिस्टेंस चलो डिस्टेंस कितना है टेन किलोमीटर फिर डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस है ट्वेंटी थ्री किलोमीटर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट रोड में अगर जाए तो डिस्प्लेसमेंट है टेन किलोमीटर और जो टाइम लगता है वो ट्वेंटी एट मिनट है तो उसको कन्वर्ट कर दो आर में ट्वेंटी एट डिवाइड बाई सिक्सटी कर दो क्या हो गया आर ठीक है अब करना क्या है सबसे पहले आपको फाइंड करनी है एवरेज स्पीड और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी जब आप एवरेज स्पीड फाइंड करते हो तब डिस्टेंस अपॉन टाइम रख दो इजी है एकदम ठीक है तो यहाँ पे क्या कर दोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम अब वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लो उसके बाद क्या करोगे एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ पे आप करोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लो ठीक है यहाँ पे सारी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है डिस्टेंस भी है डिस्प्लेसमेंट भी है टाइम भी है ओके चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट ट्वेल्व की ओर रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ थर्टी मीटर पर सेकेंड रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ थर्टी मीटर पर सेकेंड चलो उसके लिए हम यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं ये वर्टिकल डिरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर है ठीक है अ वूमन राइड्स अ बाइसिकल विथ अ स्पीड ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डिरेक्शन ओके तो ये सपोज नॉर्थ टू साउथ डिरेक्शन यहाँ पे कुछ इस तरह है तो यहां पे ये वेलोसिटी ऑफ साइकिल ठीक है वॉट इज द डिरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला कौन सी डिरेक्शन में उसको अपनी अम्ब्रेला होल्ड करके रखनी चाहिए तो एक सिंपल सी बात है कि जो साइकिल की वेलोसिटी है उससे ऑपोजिट वेलोसिटी का वेक्टर ले लो क्योंकि बारिश गिरेगी उस डिरेक्शन में तो यहाँ पे हो गया माइनस वी सी तो बारिश की अगर डिरेक्शन आप देखोगे अभी तो वो रिजल्टेंट डिरेक्शन में रहेगी इन दोनों के मतलब कुछ इस तरह ठीक है तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे इस तरफ आओगे तब ये वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा यहाँ पे इस तरफ आओगे तब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा ठीक है अब एंगल कहाँ पे सिलेक्ट करना है वो आपकी मर्जी बट लास्ट में आंसर में लिख देना कि जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है या वर्टिकल के साथ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वर्टिकल के साथ ठीक है तो ये हो गया ठीठा ठीक है यहाँ पे पूछा क्या है वॉट इज द डिरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला हमें यहाँ पे सिर्फ डिरेक्शन फाइंड करनी है तो सिंपल सी बात है टेन थीटा इक्वल टू क्या करोगे ऑपोजिट साइड अब ये थीटा है तो उसके लिए ऑपोजिट साइड तो यहाँ पे है तो ये कितना होगा एग्जैक्ट माइनस वी सी वैक्टर जितना होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा वी सी जितना तो इक्वल टू आप क्या करोगे वी सी डिवाइड बाई वी आर टेन थीठा इक्वल टू वी सी डिवाइड बाई वी आर तो यहाँ पे करोगे टेन डिवाइड बाई थर्टी मतलब ये रहेगा जीरो पॉइंट थ्री 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 टेन ठीठा इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री 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 तो ठीठा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको एटीन डिग्री ठीक है वो आप नेचुरल टेंस में देख लोगे समझ में आ जाएगा लॉक टेबल के अगर ये वैल्यू नहीं ढूंढ सकते तो एग्जाम में क्या करोगे तो टेन थीटा इक्वल टू तो आपको क्या मिल रहा है जीरो पॉइंट थ्री 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 तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स जीरो पॉइंट थ्री 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 रख सकते हो ठीक है बट जितना हो सके उतना ये वैल्यू फाइंड करो और रखो क्लियर यहां तक अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट 13 km. a man can swim with a speed of 4 km per hour in still water how long does it take to cross a river वन किलोमीटर वाइड इफ़ द रिवर फ्लो स्टेडिली एट थ्री किलोमीटर पर आर एंड ही मेक्स हिज स्टॉक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट ओके हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो वैन ही रीचेज द अदर बैंक ओके और ये वाला जो है वो क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन के लिए है तो इतना आपको नहीं पढ़ना है और दूसरे क्वेश्चन का स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया है स्क्रीन में ठीक है चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन पहले तो डिटेल लिख लो फिर इमेजिन करो कि क्या हो रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन है फोर किलोमीटर पर आर और डिस्टेंस उसको जो कवर करना है वर्टिकल डिस्टेंस वो है वन किलोमीटर और जो रिवर है मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर वो है थ्री किलोमीटर पर आठ ठीक है उसका जो मेक्स इज स्टॉक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट, ठीक है और आपको पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग डज ही टेक अब समझो कि यहाँ पे ये सपोज रिवर है इतना ये वीट्थ है जो ये डी डिस्टेंस है उसको कवर करना है ये रिवर की वीट है ठीक है अब यहाँ से ये इंसान स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी ये पोजीशन से और अपनी वेलोसिटी ये डिरेक्शन में रखने की ट्राई करता है बट रिवर की जो वेलोसिटी है वो ये डिरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ मैन और जो रिजल्टेंट मोशन होगी वो दोनों के जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर आएगा उस डेक्शन में आपको मिलेगी मतलब कुछ इस तरह तो आपको ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है ये डिस्टेंस जो है उसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स ये क्यों फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है हाउ फार डाउन द रिवर डज यू गो व्हेन ही रीच द अदर बैंक ठीक है तब वो कितना दूर गया होगा वो भी हमें फाइंड करना है ठीक है तो पहले फाइंड करते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा अब देखो लॉजिकली सोचो तो किसी भी मोशन को आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो तो सपोज मैं बोल दूँ कि ये डिरेक्शन में रिजल्टन वेलोसिटी है कौन सी डिरेक्शन में यहाँ पे ये डिरेक्शन में तो उसके ये दो कंपोनेंट हो गए वी एम एंड वी आर अब जब आप बात कर रहे हो ये डिरेक्शन के मोशन की तब तो उसी डरेक्शन का कंपोनेंट आप कैलकुलेट कैलकुलेशन में लोगे मतलब एक सिंपल सी बात है वी एम जो वेलोसिटी है उससे डी डिस्टेंस कवर हो रहा है ठीक है ना वी एम से ये डी डिस्टेंस कवर हो रहा है क्योंकि उसी डिरेक्शन में वेलोसिटी है और वी आर की हेल्प से ये एक्स डिरेक्शन कवर हो रहा है क्योंकि हॉरिजोनटल वेलोसिटी है और हॉरिजोंटल डिस्टेंस है ठीक है तो वी एम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम एक एकदम ईजी हो गया देखो अब वी एम कितना है फोर डिस्टेंस कितना है वन किलोमीटर और ये टाइम तो टाइम आपको मिल गया ज़ीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव आर या तो वन अपॉन फोर आर हो गया सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दो तो फिफ्टीन मिनट हो गया कितना इजी है देखो अब करना क्या है वी की हेल्प लो तो वहाँ पे डिस्टेंस होगा एक्स और डिवाइड बाय टाइम है ना क्योंकि वी आर है वो हॉरिजोंटल डिरेक्शन में है उससे हॉरिजोंटल डिस्टेंस कवर हो रहा है ठीक है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है अब वी आर कितना है वी आर की वैल्यू है थ्री या तो एक्स अलग ले, ले लेते हैं तो वी आर इंटू टी मिलेगा आपको अब वैल्यू डाल देते थ्री इंटू यहाँ पर टी मिला था वन डिवाइड बाई फोर तो ये हो गया जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव किलोमीटर या तो सेवन फिफ्टी मीटर बोल सकते हो थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो तो ठीक है अब क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट फोरटीन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट फोरटीन इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है सेवेंटी टू किलोमीटर पर आर एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन ठीक है इससे पता चल जाएगा कि वेलोसिटी वेक्टर है जो विंड का वो कौन सी डिरेक्शन में होगा

अब यहाँ पे आपको बोला गया है नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन में फ्लैग रहता है है ना नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन में ओके अब हम डायग्राम बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पे ले ली है डिरेक्शंस ये सपोज नॉर्थ डिरेक्शन है ये साउथ ये ईस्ट और ये वेस्ट ठीक है अब समझो हमें फ्लैग की डिरेक्शन ढूंढ निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बोट कौन सी है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है अब समझो कि वेलोसिटी ऑफ विंड कौन सी डिरेक्शन में थी नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन तो वेलोसिटी ऑफ विंड की डिरेक्शन में फ्लैग रहेगा मतलब एक वेक्टर में ये डिरेक्शन में बना देता हूँ चलो ये ठीक है तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड ओके okay. अब दूसरा क्या बनाना है दूसरा वेक्टर हम बनाएंगे बोट की वजह से फ्लैग कौन सी डिरेक्शन में रहेगा देखो विंड की वजह से तो उसी डिरेक्शन में रहता है इसीलिए हमने ये डिरेक्शन में डायरेक्ट एरो बना दिया अब समझो यहाँ पे ये अपवर्ड डिरेक्शन में नॉर्थ की ओर वेलोसिटी ऑफ बोट है है ना बट बोट जिस डिरेक्शन में आगे बढ़ेगी फ्लैग है उससे ऑपोजिट डिरेक्शन में उसकी वजह से और अरेंज होगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट अगर नॉर्थ डिरेक्शन में है तो उसकी वजह से जो फ्लैग रहेगा वो टूवर्ड्स साउथ रहेगा तो यहाँ पे हम माइनस वी भी ध्यान में लेने वाले हैं क्लियर अब ये दो ऐसे वेक्टर हैं जो फ्लैग की डिरेक्शन फिक्स करेंगे तो उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालना है अब हम सपोज कर रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ये डायरेक्शन में कुछ मिलेगा समझो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर अब पता नहीं है हमें कि कब मतलब कौन सी डिरेक्शन में है कहाँ पर ये पता नहीं है इसीलिए अभी हम रैंडम ड्रॉ कर लेते हैं सिर्फ तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर वेलोसिटी सॉरी यहाँ पे वी आर कर देते रिजल्ट वेलोसिटी का वेक्टर और हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है डायरेक्शन के लिए आप किसी के भी साथ एंगल फाइंड कर लो सपोज मुझे ये एंगल फाइंड करना है जिसको मैं नाम दे दूँ बीटा तो अब मेथड ऑफ पैरेलेलोग्राम याद करो ठीक है मेथड ऑफ पैरेलेलोग्राम याद करोगे तो कुछ इस तरह आपको मिलेगा तो हम बोलते थे कि ये जो है वो रिजल्ट एन वैलोसिटी है ठीक है हम वहीं पे रख देते हैं ये हो गई रिजल्ट एन वेलोसिटी वेक्टर और ये एंगल हमें बीटा फाइंड करना है चलो एंगल बीटा फाइंड कर करने, करने के लिए फॉर्मूला कौन सा रखेंगे तो टेन बीटा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा अब थीटा कौन सा रहेगा थीटा कौन सा रहेगा वो भी तो समझना है तो थीटा रहेगा यहां पे नाइनटी प्लस फोर्टी फाइव क्यों क्योंकि थीटा एंगल है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हैं। जिन दो वेक्टर का हम रिजल्टन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं उनके बीच का एंगल मतलब ये एंगल कितना है थीटा? तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक नाइन्टी है और ये रहेगा फोर्टी फाइव तो थीटा क्या बनेगा नाइन्टी प्लस फोर्टी फाइव डिग्री तो यहाँ पे साइन मैं लिख देता हूँ नाइन्टी प्लस फोर्टी फाइव डिग्री डिवाइड बाई वी ए वैक्टर मतलब वी डब्ल्यू वैक्टर प्लस वापिस वी बी कॉस थीटा तो कॉस यहाँ पे रहेगा नाइन्टी प्लस फोर्टी फाइव ये फॉर्मूला आप एग्ज़ाम्पल फ़ोर पॉइंट टू में पढ़े हो ठीक है मेथड ऑफ पैरालोग्राम याद कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा क्या करना था तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वी वेलोसिटी हमें उसके मैग्नीट्यूड ही लेना है तो वी वेलोसिटी जो है इन टू करना है साइन थीटा और थीटा होना चाहिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर दो वेक्टर कौन कौन से हैं ये दोनों उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है नाइन्टी प्लस फोर्टी फाइव डिवाइड बाई हम ए प्लस बी कॉस थीटा करते थे याद तो है तो ये ए वेक्टर है तो वी डब्ल्यू प्लस ये बी कॉस थीटा मतलब वी बी कॉस नाइन्टी प्लस फोर्टी फाइव अब ये है फिफ्टी वन यहाँ पर बनेगा साइन फोर्टी फाइव डिग्री नाइन्टी प्लस है ना तो यहाँ पे बनेगा कॉस फोर्टी फाइव डिग्री डिवाइड बाय वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू कितना है सेवेंटी टू तो यहाँ पे सेवेंटी टू प्लस फिफ्टी वन इंटू यहाँ पर बनेगा साइन फोर्टी फाइव डिग्री बट साइन फोर्टी फाइव डिग्री आएगा वो नेगेटिव में आएगा क्यों सेकेंड कॉन्ड्रट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये फिफ्टी वन इंटू वन डिवाइड बाई रूट टू डिवाइड बाई सेवेंटी टू माइनस फिफ्टी वन इंटू वन डिवाइड बाई रूट टू तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा वन पॉइंट जीरो ज़ीरो थ्री एट करके हैंस बीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा देखो ये है ना ये टेन बीटा मिलाया हमें तो बीटा है वो नियरली फोर्टी डिग्री है बट ऊपर जो पॉइंट जीरो ज़ीरो थ्री एट है उसकी वजह से मिलता है फोर्टी फाइव पॉइंट वन वन डिग्री फोर्टी फाइव पॉइंट वन वन डिग्री बट यहाँ पे अच्छे से याद रखो कि जो फोर्टी फाइव पॉइंट वन वन डिग्री है वो किसके साथ है तो वो तो हमने लिया था वीडब्ल्यू वैक्टर के साथ अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन के साथ एंगल लेना चाहूं तो यहां पे मैं लिख दूंगा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट डिरशन तो वो बनेगा फोटी फाइव पॉइंट वन वन माइनस फोर्टी फाइव क्यों क्योंकि समझो कि ये एंगल फोर्टी फाइव था तो हमें उतना सब्ट्रैक करना पड़ेगा टोटल जो एंगल है उसमें से ये फोर्टी फाइव अगर आप सब्ट्रैक कर दो तो ये एंगल मिलेगा और ये कौन सा है विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो क्लियर मतलब अभी हम ये एंगल फाइंड कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगा जीरो पॉइंट वन वन डिग्री ओके ये हो गया विथ ईस्ट डिरेक्शन तो आप लिख सकते हो हैंस द फ्लैग विल फ्लटर ऑलमोस्ट ड्यू ईस्ट ठीक है ये क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट फोर्टीन का सॉल्यूशन ठीक है अब एक्सरसाइज़ के जितने भी क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं सब को एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो अच्छे से रिवाइज कर लो अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो ओके okay? चलो तो आज हम यहाँ तक रखते हैं ओके थैंक यू